नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने कमाल करके दिखा दिया है और दोस्तों पूरे भारत में खुशी का माहौल है। चंद्रयान 2 ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि आप फूले नहीं समाएंगे और इस वीडियो को शेयर किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। चंद्रयान 2 के इस चमत्कार के पीछे नासा भी चकरा गया है। नासा भी सोचने लगा है कि चंद्रयान 2 ने यह चमत्कार किस प्रकार से किया है। चंद्रयान 2 के इस चमत्कार के पीछे कौन कौन है, क्या ये चमत्कार है, किस प्रकार से इस मिशन को कामयाब किया है, कौन कौन इसमें शामिल है, किस प्रकार की जानकारियां चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर मिली हैं और किस प्रकार से चंद्रयान 2 अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रहा है, वो सभी प्रकार की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और नए मेहमानों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए और नोटिफिकेशन बेल अवश्य ही चालू रखिए ताकि सभी प्रकार की देश विदेश की अपने राज्य की खबरें आपको अच्छी प्रकार से मिलती रहे। दोस्तों, चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद ही 22 दिन पश्चात पता चल गया था कि चंद्रयान 2 क्रैश हो गया है, लेकिन संपूर्ण रूप से सही जानकारी किसी को भी नहीं मिली थी और 2019 में ही चंद्रयान 2 क्रैश होने की खबर आ गई थी। लेकिन दोस्तों, सत्य कुछ और ही है। चंद्रयान 2 सही सलामत है और अनेक प्रकार की खोजें चंद्रमा पर कर रहा है। सही प्रकार से लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर कार्य कर रहे हैं और ये लैंडिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हुई थी और सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 2 पर। और चंद्रयान 2 के इस मिशन में चंद्रमा पर बहुत ही बड़ी बड़ी खोजें हो रही हैं और चंद्रयान 2 इसरो को धनादन डाटा भेज रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 द्वारा भेजी गई हाल ही में तस्वीर आई है और इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि इसरो का चंद्रयान 2 चंद्रमा पर बिल्कुल सही सलामत है और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी हुई थी। चंद्रयान 2 की कामयाबी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत खुश हैं और उन्होंने भी इसरो जाकर अभिनंदन किया है इसरो का। संपूर्ण इसरो को ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं और संपूर्ण इसरो को चंद्रयान 2 और मंगलयान के मिशन के लिए भी ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं। दोस्तों, इसरो ने ऐसा चमत्कार कर दिया है कि संपूर्ण विश्व में इसरो का नाम बढ़ चढ़कर लिया जा रहा है। नासा भी इसरो के सामने कांपने लगा है और इसरो की इस तकनीक को देखकर बहुत सारी बधाइयां भी इसरो को मिल रही हैं। इसरो को लेकर नासा ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है और इसरो और नासा मिलकर आगे बहुत सारे मिशन चंद्रयान 2 जैसे मिशन इसरो का साथ लेने वाले हैं और नासा और इसरो मिलकर चंद्रमा पर बहुत सारी ढेर सारी खबरें इकट्ठे करने वाले हैं। नासा के वैज्ञानिक भी ये बहुत बड़ी जानकारी एकत्रित करने में लगे हुए हैं कि चंद्रयान 2 का मिशन किस प्रकार से सफल हुआ है और इतने कम बजट में किस प्रकार से यह मिशन कामयाबी की ओर गया है। संपूर्ण रूप से एकजुट होकर शुरू से लेकर आखिरी तक नासा बिल्कुल जानकारी एकत्रित करने में लगा हुआ है। इसके साथ साथ नासा ने इसरो की बहुत ही बड़ी तारीफें की हैं और इन तारीफों में ये भी कहा है कि चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन है जिसके कारण भारत और इसरो का नाम दुनिया में चमक गया है। और जापान की जैक्सा की बात करें तो इन्होंने तो चंद्रयान 2 तक को अपना बनाने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि हम चंद्रयान 2 के बिल्कुल सेम मॉडल बनाएंगे और उसको चंद्रमा पर भेजेंगे। तो इस प्रकार से इसरो की शान बिल्कुल बढ़ चुकी है और चंद्रमा पर भारत का परचम लहरा चुका है। इस प्रकार से चंद्रयान 2 वर्ल्ड फेमस हो गया है और इसरो, नासा और जैक्सा मिलकर ढेर सारे मिशन में आगे बढ़ने वाला है चंद्रयान 2 की तरह। तो आप भी चंद्रयान 2 के इस मिशन के लिए जय हिंद जरूर लिखें। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इलेक्शंस ख़त्म होते ही मैं चंद्रयान 2 जैसा ही एक और मिसाइल के द्वारा चंद्रयान 2 जैसा ही प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसे चंद्रमा पर उसी क्षेत्र में भेजेंगे जहां पर चंद्रयान 2 गया था। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रयान 2 वर्ल्ड फेमस किस प्रकार से हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसकी बहुत ही बड़ी सराहना कर रहे हैं। इतने कम बजट में किस प्रकार से चंद्रयान 2 सफल हो गया है और अनेक प्रकार की खोजें कर रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम भारत से डाटा चाहते हैं, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हर एक कीमत देने को वो तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ इनकार कर दिया है और इसरो को भी इनकार कर दिया गया है कि किसी को भी किसी भी प्रकार का चंद्रयान 2 का डाटा शेयर नहीं किया जाएगा। सारी जानकारियाँ इसरो के पास ही रहेंगी और भारत सरकार के पास ही रहेंगी। कोई भी जानकारी जैक्सा, नासा, ट्रंप या किसी अन्य स्पेस
एजेंसी को बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो आपको भारत सरकार का ये फैसला कैसा लगा, उसके लिए आप नीचे कमेंट में अवश्य ही लिखें ताकि सभी को पता चल सके कि हमें डाटा शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 2 का डाटा संपूर्ण भारत के लिए और इसरो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चंद्रमा पर ढेर सारी खोजें आगे चंद्रयान 2 करने वाला है और अपना परचम चंद्रमा पर लहराने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर पानी के भी अवशेष मिले हैं और उन्होंने खुदाई के द्वारा ये पता लगाया है कि चांद की भूमि पर नीचे कुछ ही दूरी पर पानी के अंश उपस्थित हैं। इस प्रकार से पानी की झील का भी चंद्रयान 2 ने पता लगा लिया है कि पुराने समय में यहाँ पर पानी की झील होती थी, झरने होते थे और तालाब होते थे। चंद्रयान 2 की इस कामयाबी को लेकर इसरो बहुत ही खुश हो गया है और ये खुशखबरी मीडिया तक भी पहुँचा दी है। मीडिया भी ये जानकर अत्यंत खुश हुआ है और भारत का नाम इस प्रकार से रोशन होने से सभी खुश हैं। दोस्तों चंद्रमा पर चंद्रयान 2 को अनेक प्रकार की अवसादी और मैग्मा की चट्टानें भी मिली हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि चंद्रमा पर खनिज लवण भी पाए गए हैं। चंद्रमा पर इन खनिज लवण की कीमत बहुत ही ज़्यादा है और अगर ये भारत को मिल जाते हैं तो बहुत ही बड़ी कामयाबी ये इसरो की तरफ से मानी जाएगी कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के ढेर सारे राज खोल दिए हैं। इस प्रकार से चंद्रयान 2 को सुरंग भी मिली है और इसमें एलियंस होने का दावा भी बताया जा रहा है। यह बात इसरो ने सोशल मीडिया में संपूर्ण रूप से जारी नहीं की है, लेकिन इसरो को बहुत सारी सुरंगें मिली हैं। ये खबर बहुत ही बड़ी है और ये खबरें सोशल मीडिया तक आई हैं। इन सुरंगों में क्या हो सकता है ये संपूर्ण रूप से किसी को नहीं पता है। क्या संपूर्ण जानकारी है कोई भी नहीं जानता है। इन सुरंगों में एलियंस के होने का भी दावा साबित हो रहा है। एलियंस अगर हमारे दोस्त बन जाते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी और इस प्रकार से इसरो और भारत का परचम और भारत की परिभाषा दुनिया अच्छी प्रकार से जान जाएगी। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अनेक प्रकार की गुफाएं भी मिली हैं। इन गुफाओं का अच्छी प्रकार से क्या राज है वो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों इस प्रकार से चंद्रयान 2 ढेर सारी खबरें एकत्रित कर रहा है हमारे लिए। तो दोस्तों आप भी नई नई खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए और नोटिफिकेशन बेल को चालू रखिए। और दोस्तों आपसे पीसफुली रिक्वेस्ट है, एक जय हिंद का कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, क्योंकि इसरो और भारत सरकार दोनों मिलकर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इसरो की महानता को बनाए रखने के लिए, इसरो के गौरव को बनाए रखने के लिए और अपने देश को महान बनाए रखने के लिए आप प्लीज़ जय हिंद का कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कीजिए। तो इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। तो इसरो की महानता को बनाए रखने के लिए, इसरो के गौरव को बनाए रखने के लिए और अपने देश को महान बनाए रखने के लिए आप प्लीज़ जय हिंद का कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कीजिए।